answer the following questions. Write about the relationship of Afghanistan and Pakistan. अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बताएं. इस क्वेश्चन में बताना है तो पेज नंबर 16 ओपन करें. टॉपिक है रिलेशन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप. यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है. फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिटोरेटेड आफ्टर द अफगान्स रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन. ठीक है, यहाँ तक 1, 2, 3 थर्ड लाइन तक. उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है. पॉलिटिकल टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव ग्रोन इंक्रीजिंगली टेंस सिंस एवर सिंस. इवेंट्स इन अफगानिस्तान हैव ऑफन इफेक्टेड खैबर पख्तूनख्वा ड्यूरिंग द अफगान स्वेत वार. इन 1979 मैनी मुजाहिदीन वेंट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू टेक पार्ट इन द फाइट एंड आफ्टर वर्ड्स मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज टुक शेल्टर इन द प्रोविंस ऑफ केपी. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. राइट अ डिटेल नोट ऑन मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर, मुगल की जो सल्तनत थी उस पर नोट लिखना है. ओपन पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 आंसर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बाबर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर फर्स्ट इंटर द सब कॉन्टिनेंट व खैबर पास इन 1505 एंड टुक कोहाट एंड बनू बिफोर रिटर्निंग टू काबुल. यहाँ तक इसकी फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रही है. सेकंड यहाँ से स्टार्ट करनी है. बाबर यूनाइटेड मैनी ट्राइब्स इन केपी इंक्लूडिंग द यूसुफज़ईस अंडर हिज बैनर एंड लेड देम टू मैनी रीजन्स इन इंडिया. ही वन द हार्ट्स ऑफ पठान्स ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. यहाँ तक है. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ. आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिम बट पठान नेम्ड शेरशाह सूरी टुक कंट्रोल ऑफ द रीजन फ्रॉम हिम. हुमायूं रीगेन्ड द थ्रोन 15 ईयर्स लेटर एंड हिज सन अकबर सक्सीडेड हिम. However, Akbar could not conquer all parts of KP. Now open page number 13. Page number 13 पे first जो paragraph है इसकी second line. Khushal Khan Khattak formed an alliance with the Mughal during the reign of the Emperor Shah Jahan. उसके बाद इसी paragraph की last line. The Khattak broke ties with the Mughal Emperor during Aurangzeb's rule due to a conflict with Mughal governor over the tax collection. उसके बाद third paragraph. उसके बाद इस page के second paragraph. After Aurangzeb's death in 1707 the empire split into competing kingdoms. यहाँ तक इसका answer complete हो रहा है. Question number 2 यहाँ तक complete हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ टाइमलाइन. टाइमलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत, एक्सप्लेन करना है इसको. ये पेज नंबर 16 पे है इसका आंसर. ओपन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पे 2.6 जो टॉपिक है. हाँ, हिस्टोरिकल टाइम लाइन इज़ अ मेथड ऑफ हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स टर्म्स फिगर्स एंड इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल फैशन. दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल डेट्स डेट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर द रीडर. यहाँ तक. उसके बाद इस पेज की लास्ट लाइन. सम टाइम लाइन्स माइट रिलेट टू ओनली द पोलिटिकल. नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ. इवेंट्स वाइल अदर माइट इंक्लूड ओनली वार्स. यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 का.